खुद करते हैं। मैं एडीएस इंजीनियरिंग कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। मैं वहाँ पर 6.5 साल से काम कर रहा हूँ और उससे पहले मैं एक एडीसी में काम कर रहा था, 8 साल में वहाँ भी काम किया। मैं जो सर ने 3 बिंदु के बारे में बताया, तो मैं पहले 1 बिंदु के बारे में ये बोलना चाहता था कि जब मैं यहाँ पर पहले शिविर में आया था जो आईआईटी कानपुर में हुआ था, तो उसके अंदर ये मुझे लगा कि पता नहीं क्या चीज़ है ह्यूमन वैल्यूज़, कहाँ क्या मतलब है उसका, शायद हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम लोग कोई इंजीनियर हैं, पता नहीं कि हमको क्यों भेजा गया। लेकिन पहले दूसरे दिन भी काफ़ी दिमाग में बहुत पेशोपश रहे कि क्या चल रहा है, ये कुछ समझ में ही कुछ नहीं आ रहा है। धीरे 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 जब दो दिन ख़त्म हो गए, तीसरे दिन हम लोग आए, तो उसके बाद जो इंडिविजुअल सेल्फ बॉडी और इन चीज़ों पर बात होनी शुरू हुई, तब धीरे पता नहीं दिमाग में ऐसा लगा कि नहीं, ये तो शायद हमारे से ही लिंक्ड अप है और ये किसी और से नहीं, हमको ही ये समझना है। तो धीरे धीरे उस चीज़ से कनेक्टिविटी हुई और हम लोग जो मैं मेरे को ये लग रहा कि जितने यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं सबके चेहरों को मैंने विजुअलाइज किया, तो लगा कि सब लोगों के चेहरे एकदम कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से ग्रसित हैं और वो लोग भी उस चीज़ को अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे थे। धीरे धीरे 7 दिन ख़त्म हुए, घर में ये भी लग रहा था कि 8 दिन हो गए, 8 दिन बाद घर भी जाना है, लेकिन उसके बाद भी लगा नहीं है, कुछ टाइम और चले तो पता नहीं हमको और क्या बता देंगे। तो वो चीज़ चलती रही दिमाग में, हम घर जा रहे थे तब भी दिमाग में क्वेश्चन उठते रहे कि ये मैं क्या है और ये सब चीज़ें क्या है। उसके बाद जर्नी शुरू होती है सेकेंड फेज की, जिसमें हमको अपने आप को समझना था। हम लोग कॉलेज गए, कॉलेज में हम लोगों ने 2-3 प्रेजेंटेशंस भी दी, अपने HOD को भी बिठाया, उसमें टीचर्स को भी बिठाया, सबको सबके दिमाग में, क्योंकि एकदम जब आप कुछ सीख के आते हैं तो वो चीज़ इतनी ज़्यादा आप नहीं समझा पाते क्योंकि अभी भी आप उस क्वेश्चन मार्क के अंदर ही हैं। तो धीरे धीरे हम लोगों ने कुछ ग्रुप्स बनाए, उसके अंदर सतीश अवस्थी सर थे, मैं था, अलोक सर थे और 3-4 लोग और थे। हम लोगों ने डिस्कशन शुरू किए, सैटरडेज को हम लोगों ने 2 से 4:30 बजे हम लोगों ने डिस्कशन का सेशन रखे कि भाई हम लोग अपनी जो फीलिंग्स हैं, शेयरिंग्स हैं, वो डिस्कस करें, जिससे कि हम हमारे अंदर जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्ट्रडिक्शन चल रहे हैं उनको रिमूव कर सकें, क्योंकि हम लोगों को बच्चों को पढ़ाना, उनको हम उस माइंड से नहीं जाना चाहते थे कि हमारे अपने दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट्स हो और हम लोग वहाँ जाके उन बच्चों के सवालों में उलझ के जाए। तो धीरे धीरे हम लोगों की चीज़ें क्लियर हुई, हम लोग को एक पाथ मिला कि हमको कैसे पढ़ाना है, एक प्लान चौकआउट किया हम लोगों ने कि बच्चों को क्या पहले पढ़ाएं, फिर क्योंकि सर ने, गणेश सर ने हम लोग को जब बताया था शुरू में, वही चीज़ बताई थी कि आपको फॉलो ये कैसे पढ़ाना, कैसे, ऐसा नहीं आप सीधे किसी भी चीज़ पर पहुँच जाए, वरना क्या होगा कि बच्चे पहले की चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ पर पहुँच जाएगी और उसके ऊपर जो पहले का सवाल है वो वैसे का वैसे बना रहा। तो सर ने गाइडलाइन दी थी कि आपको इस चीज़ को कैसे फॉलोअप करना है, फिर भी हमने उसको और रिफाइन किया बच्चों को एग्जाम्पल्स के तौर पर, वीडियो क्लिप्स के थ्रू, और भी हमने कुछ वीडियोज़ डाउनलोड किए थे उसके थ्रू हम लोगों ने वो चीज़ बतानी शुरू की। पहला जो सेमेस्टर था उसमें हमने काफ़ी चीज़ें बताई, कुछ बच्चे ने उसको अप्रिशिएट किया, कुछ मैक्सिमम बच्चों ने उसे अप्रिशिएट नहीं किया, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उस चीज़ को जारी रखा और काफ़ी चीज़ें हमने और एडअप की उसके अंदर, कुछ एग्जाम्पल्स एडअप किए और धीरे धीरे फिर हम लोग और, क्योंकि बच्चे तो हर साल नए आते रहते, किसी की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी हो जाती किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, दूसरे के लिए वो चीज़ नहीं अंडरस्टैंडेबल हो पाती, लेकिन फिर भी हम लोगों ने, हम कोशिश में लगे हुए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज़ हम लोग समझ पाए यहाँ पर, कुछ जो चेंजेस ट्रांसफॉर्मेशन कर पाए छोटे लेवल पे से, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन छोटे लेवल पे होती है शायद वो लंबे टाइम तक ज़्यादा चलती है, तो हम लोग उसको कर पाए, बच्चों को भी हम अब कोशिश कर रहे हैं कि कर पाए। तो मैं आपको तीसरे फेज में हम जब यहाँ पर आए हैं, जो क्वेश्चन पहले अधूरे रह गए थे, जो सवाल हमारे अधूरे रह गए थे, जो हम करना चाहते थे, कहीं कहीं पर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी जहाँ पर गैप्स, जैसे जो हमारे पीछे ही डायग्राम सर ने बताया था उसमें गैप्स, जिसमें एनालाइजिंग, मैचिंग और ये सब चीज़ें में गैप, उन चीज़ों को हम लोगों ने, अब हम उस चीज़ को कैसे बताएं, क्योंकि हम लोगों को मालूम ही नहीं। सो जो हमारे समझ में आया, जो हमने वहाँ समझा,
वो चीज़ हम लोगों को बता, हमने बता तो दी लेकिन वो चीज़ में अभी भी हमारे गैप रह गए। तो यहाँ आने के बाद वो चीज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो हमारे हमारी अपनी समझ के ऊपर। हम बहुत लोअर लेवल पे गए, फर्स्ट लेवल पे हमने वो जो एरो है सिर्फ उस एरो पे चलना ही सीखा है हमने। अभी हम दूसरे वाले जो इमेजिनिंग वाले पार्ट है उस पर हम नहीं पहुँचे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर्स। तो हम लोग अभी वहाँ पे मैं पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ पे अब जो ये वर्कशॉप हुई है उससे काफ़ी मुझे हेल्प मिली है, चाहे वो इंडिविजुअल के फॉर्म में, चाहे वो संबंध तो इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे लेवल वन हो, चाहे ये लेवल टू हो, चाहे हम लेवल थ्री में भी जाके बात करें। संबंध एक ऐसी चीज़ है जो एक आदमी को दूसरे आदमी से जोड़ती है। और जब हम परिवार की बात करें तो वो तो एक बहुत ही हम लोग का एक अभिन्न अंग है जिसको हम नहीं छोड़ सकते। तो वो वाली बात हमारी बहुत बहुत ज़्यादा मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल रही। दूसरी बात जो हमारे जो परिवार में भाव की बात है, जो नौ भाव हमने यहाँ पे देखे, हर भाव में जो अलग अलग तरह की जो पॉइंट्स थे वो हमने सीख देखे कि वो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कहाँ कहाँ पर मैं मेरे अंदर क्या कमी है उसको हम कहाँ पर ऐड कर सकते हैं, तो वो चीज़ मैंने सीखी। बहुत मेरे को तो बहुत ऐसा लग रहा है कि शायद जो प्रोसेस था इमेजिनिंग का, चित्रण का, वो सारी चीज़ें जो हैं वो धीरे 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 दिमाग में चल रही। क्योंकि जब सर बताते हैं कि इवन गणेश सर भी बता रहे थे तो पिक्चर चल रही थी, जो दिमाग में क्या चल रहा है और हम समझ पा रहे थे कि वो पीछे जो पीछे चल रही उसका भाव क्या है। तो जो पहला दिन जो हमने किया विचार को, पहले सांस पे ध्यान देना, फिर विचार पे ध्यान देना, फिर उसकी श्रृंखलाएँ को देखना, फिर उसके पीछे भाव को देखना, वो सारी चीज़ें वो करते करते हम ये समझ पा रहे हैं कि जब हम कोई चीज़ सोचते हैं तो हम उसका भाव को समझ पाते हैं। तो वो चीज़ तो एक हमारे में अच्छा हुआ कि क्योंकि जब कोई हमको बात करेगा एटलीस्ट हम लोग वो उस भाव को पकड़ पाएंगे और हम रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स। तो ये मेरे अंदर काफ़ी चेंजेस तो नहीं कहूँगा लेकिन ये है कि एक फेज़ शुरू हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन का और मैं होप करता हूँ कि मैं उस फेज़ को इनिशिएशन की जगह मैं उसको ट्रांसफॉर्मेशन में ला दूँ। और वही चीज़ हम लोग जो हम लोग पांच लोग यहाँ पर आए हैं हम लोग भी उसी को एक जारी रखेंगे और हमारी पूरी कोशिश रहेगी एज अ नोडल सेंटर, एज अ इंडिविजुअल, एज अ कॉलेज कि हम जो हमारे आसपास के लोग हैं उनको भी उस चेन के अंदर जोड़ सकें और उनके अंदर भी कुछ ऐसा कर सकें जिससे कि वो हमारे तरह भी सोचें।